नीतीश कुमार धोखा किए, कम सीट आने के बावजूद जो ऐसे उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पे राहुल गांधी को भी कह दिया कि तेजस्वी तय करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जंगल राज रिटर्न बैक, जनता त्राहिमाम कर रही है, रोज हत्या अपहरण डकैती लूट की घटनाएं बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रहा है, भ्रष्टाचार उसी प्रकार के, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसके ऊपर चार सीटेड है उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में, और आज अपने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पता चल जाएगा वहां जोगी बैठे हैं, चेहरा तो वही है, दागदार धब्बादार सब आरोपित लोग इकट्ठे होकर कर करके और इंडिया नाम रखे हैं। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे बिहार की राजनीति तेज होती जा रही है, कहीं ना कहीं क्यास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, उसी तरह भाजपा का कहना है कि अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो 11 सीट भी नहीं ला पाएंगे। हमारे साथ इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार भोजपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? वह नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के जी, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी छवि है विकास पुरुष की छवि है, अगर उनको अपने विकास पर इतना ही भरोसा है तो बिहार क्यों छोड़ रहे हैं, बिहार के किसी कोना से लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो है से जगह तलाशने की क्या आवश्यकता है, या तो जो है से विकास बेमानी है जिस बात को कह रहे हैं, उनको न बिहार पर भरोसा है न बिहार की जनता पर भरोसा है, तब तो बिहार छोड़ करके दूसरे जगह जा रहे हैं, इतना ही विकास किए हैं तो बिहार में लड़े, किसी कोना में लड़ना चाहिए जहां उनकी इच्छा है। खुद डर तो नहीं कि अगर फूलपुर से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इस वजह से आप लोग चाह रहे हैं कि वो बिहार में ही रहें? नहीं नहीं, हमको डर तो उनको है ना कि छोड़ कर करके भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो बिहार तो गया ही, उत्तर प्रदेश में भी जो है से उनको कहीं पनाह नहीं मिलने वाली है, बिहार में तो नहीं, किसी यूपी में टक्कर, अरे बिहार में मैं तो कह रहा हूँ कि 14 में अकेले चुनाव लड़े थे अलग होकर करके, दो सीटें आई थी, जैसे तैसे नालंदा भी जीता था जदयू, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देखे, बिहार की जनता भी लगातार उनकी इच्छा और चाहत मोदी जी के साथ रहा है, 19 में भी चुनाव लड़े लोग, तो मोदी जी के साथ जो है से बिहार की जनता ने 39 सीटों पर जिताने का काम किया, मगर फिर भी बिहार में भाजपा नहीं आ पा रही। भाजपा नहीं कैसे है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस राज्य की आज भी है, नीतीश कुमार धोखा किए, कम सीट आने के बावजूद जो ऐसे उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, 43 सीटें आई थी ना उनको, जनता की इच्छा नहीं थी, लेकिन मोदी जी की इच्छा थी कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, उनका तो ये भी भाई था ना कि तो मुख्यमंत्री जब बनाए तो उन्होंने जनादेश का अनादर किया, जनता की इच्छाओं के विपरीत जाकर करके महागठबंधन के साथ उन्होंने समझौता करने का काम किया, सरकार चला रहे, आज सरकार चला रहे तो क्या स्थिति बिहार की हो गई है, जंगल राज रिटर्न बैक, जनता त्राहिमाम कर रही है, रोज हत्या अपहरण डकैती लूट की घटनाएं बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रहा है, क्राइम सर चढ़ कर करके बोल रहा है, कहां नीतीश कुमार कभी कहते थे कि हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे और अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जो है से भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, लेकिन आज कहां चला गया, रोज हत्या हो रहा है, भ्रष्टाचार उसी प्रकार के, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसके ऊपर चार सीटेड है उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में है, और सारे सर्वे सर्वा जो है से वो बना हुआ है, उसके आप सामने नीतीश कुमार की घिघी बन जाती है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, 17 में आपने याद कीजिए कि 17 में यही आरोप जॉब फॉर लैंड के मामले में आरोप लगा था तेजस्वी यादव पर संपत्ति बनाने का, उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक तौर पर इसकी सफाई देनी पड़ेगी तेजस्वी यादव को, और अगर सफाई नहीं देते हैं तो इस्तीफा करें, तेजस्वी यादव इस्तीफा देने से मना कर दिए, तो खुद नीतीश कुमार जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंपने का काम किए थे, लेकिन आज उनकी क्या मजबूरी हो गई है, वही तेजस्वी यादव के ऊपर उसी आरोप में आज चार्जशीट हो गया है, चार्जशीट का मतलब होता है दोषी करार दे देना, और उसके बावजूद नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये
पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भी उन्होंने गले लगा लिया है भ्रष्टाचार को, समझौता कर लिया। क्या लगता है कुर्सी बचा रहे हैं क्या? और क्या कुर्सी बता रहे, और कुर्सी बचा रहे हैं कि कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर करके सारा चीज चलता है सरकार में तेजस्वी यादव का। अभी राहुल गांधी आए थे, कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल विस्तार की बात किए थे, तो उन्होंने सीधे तौर पे राहुल गांधी को भी कह दिया कि तेजस्वी तय करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो इस बात को सार्वजनिक तौर पे वो दर्शा दिए कि तेजस्वी ही सर्वे सर्वा हैं, मैं नाम मात्र का मुख्यमंत्री हूँ, जो तेजस्वी चाहते हैं वही होता है और आगे भी वही होगा। जदयू का ये भी कहना है कि जब गुजरात के लोग बनारस से लड़ सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से क्यों नहीं लड़े ना? जदयू कई राज्यों के अंदर में चुनाव लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है से जदयू नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जो पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो पार्टी कहीं बहुमत नहीं ला सकता है। दिल्ली में लड़े थे, कई राज्यों में जाकर के लड़े थे, गुजरात में भी लड़े थे, क्या हश्र हुआ था उनके उम्मीदवारों का पता है? कहीं जमानत भी नहीं बच सका, 200 300 400 वोट जो है से, उतना तो निर्दलीय को भी उससे ज़्यादा सीट आता है। तो इनके प्रति जनता का क्या विश्वास है पूरे देश का? और वो चले हैं उत्तर प्रदेश में लड़ने, कभी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर करके विधानसभा का चुनाव का, और उनको जनता के मूड का एहसास हो गया तो वो वापस ले लिए, नहीं लड़ेंगे चुनाव। और आज अपने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पता चल जाएगा वहाँ जोगी बैठे हैं, बाबा जोगी माफियाओं को जमीन में गाड़ने का काम कर रहे हैं, और जो व्यक्ति जोगी से आंख में आंख मिलाएगा उसका हस्त्र वही माफिया की तरह होगा। तो साफ तौर पे कहना है कि इस बार इंडिया एनडीए को पछाड़ देगी, जनता जवाब देगी। कौन सा इंडिया पछाड़ेगा? वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको खदेड़ दिया गया देश से 47 में, अब फिर से जो है से कंपनी बना करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, वो इंडिया पछाड़ेगा? नरेंद्र मोदी है, इंडिया बदल चुका है, अब भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया अब मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया है, ये इंडिया हो गया है जिस इंडिया का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति उस इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। उस इंडिया को पछाड़ने की अगर कोई जो है से सपना देख रहा है तो उनका सपना सपना रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। अब देश की जनता कभी गुलामी की ओर या कभी व्यापार रोजगार करने वाले और भ्रष्टाचार से कभी गले नहीं लगा सकता है। जो भ्रष्टाचारी हैं वही इंडिया का धोखा देकर करके नाम बदल लेने से चेहरा नहीं बदलता है, चेहरा तो वही है, दागदार धब्बादार सब आरोपित लोग इकट्ठे होकर कर करके और इंडिया नाम रखे हैं। सबको पता है कि आए हैं व्यापार करने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए, एक परिवार एक पार्टी को स्थापित करने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं, अपने वजूद बचाने के लिए। कोई अब जो है से नाम बदलने लेकिन देश की जनता का विश्वास नहीं बदल पाएंगे। जनता की का विश्वास मोदी के साथ है, रहेगा। आखिरी सवाल, बिहार पे सबकी नज़र है, क्या लगता है बिहार में भाजपा आ जाएगी? निश्चित तौर पे मैं 100% कह सकता हूँ कि बिहार की जनता की इच्छा आकांक्षा मोदी के साथ रहा है, और 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, और आने वाला 24 का चुनाव में 40 की 40 लोकसभा बिहार की जनता देगी मोदी को झोली में। चलिए, तो भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में 40 की 40 सीटें जो है वो भाजपा जीतेगी और भाजपा की सरकार जो है बिहार में आएगी। हालांकि पूरी तरह से उम्मीद लगा जा रही है कि यूपी के फूलपुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं भाजपा का दावा है कि अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो यूपी की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और 11 से ज़्यादा वोट उनको मिलेगा भी नहीं। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।